वचन को निकालेंगे आज, एक कुरंथियों 10 उसका 1 से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादाएं बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ, आगे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, हाँ, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। हाँ, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। हाँ, ये बातें हमारे लिए यहाँ पे लिखा है कि सब ने बादल में समुन्द्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन खाया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब उसी चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। समझ रहे? यहाँ पुलपिट से सबको एक ही वचन दिया जा रहा है, एक ही चीज सिखाई जा रही है, एक ही आज्ञा बोली जा रही है, हाँ, एक ही तरह का बपतिस्मा सबने लिया है, एक ही तरह से प्रभु भोज लेते हैं, एक ही तरह से परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वचन खाते हैं, एक ही तरह से पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके ऊपर उड़ेला जाता है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। समझ रहे हैं? ये दृष्टांत है हमारे लिए जो पुराने नियम में हुआ। प्रभु चाहता है कि हम इस बातों को जाने। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। मतलब खाना पीना और पाप, बस यही काम था, शरीर की अभिलाषाएं। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। आगे। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में है लिखी गई है। कौन है जगत के अंतिम समय में इस समय? बोलो, किसके लिए ये बातें लिखी प्रभु ने? हमारे लिए। हम जो जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं, ये हमारे लिए प्रभु ने लिख के दिए हैं। ये चेतावनी जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें परीक्षा से बाहर, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। पर हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा है एक ही बपतिस्मा लिया, एक ही तरह से प्रभु भोज लेते थे, एक ही वचन सुनते थे, एक ही आज्ञाकारिता थी, एक ही मस्सा था, एक ही अभिषेक सबके ऊपर उड़ेला जाता था, फिर भी उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न क्यों? क्यों प्रसन्न नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना मन परमेश्वर की इच्छा पर नहीं लगाया। उन्होंने अपना मन बुरी वस्तुओं का लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, कुड़कुड़ाना, ये सारी चीजें उनके जीवन में थी, इसलिए उनमें से बहुत से नाश हो गए। व्यभिचार के कारण 23,000 एक दिन में मर गए सांपों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर
उनको मिश्र से जब निकाल के लाया, परमेश्वर उनको कहां लेके जा रहा था? प्रॉमिस लैंड में, हाँ, जहां पे उनका परमानेंट सल्यूशन था, जहां पर उनको कोई चिंता नहीं करनी थी, जहां पर बड़े गढ़ वाले घर थे, जहां पे उन्होंने रहना था, वहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वहां पर एक फलदाई, एक ब्लेस्ड जगह थी प्रॉमिस लैंड, जहां खुद परमेश्वर ने उनके लिए चुनाव किया था। प्रभु उनको एक परमानेंट सल्यूशन जहां पे था वहां पे लेके जा रहा था। लेकिन ये लोग रास्ते में जंगल में क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। और क्या कुड़कुड़ाने लगे? नए नियम में लिखा है मत्ती 6:31-33 वचन निकालो। परमेश्वर हमारा परमानेंट सल्यूशन करने जा रहा है और लोग टेम्परेरी सल्यूशन के लिए चिल्ला रहे हैं। बड़े से इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब बातों, इन सब वस्तुओं की खोज पे रहते हैं। हाँ। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर उनको गुलामी से, पाप की बेड़ियों से, गुलामी से उनको निकाल के मिश्र से उनको प्रॉमिस लैंड में लेके जा रहा था। हमेशा का सल्यूशन, अपना एक देश, एक फलवंत देश उनका, जिसका परमेश्वर यहोवा राजा था, परमेश्वर उनको वहां लेके जा रहा है। और वो क्या कर रहे हैं? रास्ते में कुड़कुड़ा रहे हैं। रास्ते की प्रॉब्लम्स उनके लिए बड़ी हो रही है जबकि प्रभु उनको परमानेंट सल्यूशन देने जा रहा है। हाँ, रास्ते में ही रोना पीटना शुरू कर दिया। इसलिए प्रभु क्या कहता है? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके सत्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हमने क्या करना है? हमें अन्य जातियों के समान सिर्फ खाने और पहनने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास एक पिता है जो जिसने हमारे लिए एक उत्तम योजना, एक परमानेंट सल्यूशन रखा हुआ है और प्रभु हमें वहां पर पहुंचाना चाहता है। और मार्ग की सारी चिंताएं जो मिश्र से निकाल लाया, क्या रास्ते में उनको भूखा मार देता? जिस परमेश्वर ने तुम्हारी बड़ी बड़ी बीमारियों से तुम्हें निजात दिला दी, क्या तुम्हें वो अब मार देगा? बोलो। लेकिन लोग क्या करते हैं? रास्ते में कुड़कुड़ाने लगते हैं शरीर की अभिलाषाओं के कारण। हालेलुया। प्रभु परमानेंट सल्यूशन देने जा रहा है पर ये रास्ते की मुसीबत, अभी तो रास्ते में ही है और कुड़कुड़ा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा संसार की चिंता ना करो, क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, ये बातों की चिंता अन्य जाति लोग जिनको कोई काम नहीं है, जिनके जिनको पिता को जानती नहीं है, वही चिंता करते हैं, पर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पिता जो तुम्हें मिश्र से निकाल के लाया है, संसार से निकाल के लाया है, वो तुम्हें परमानेंट सल्यूशन, वो उद्धार जो तुम्हारा किया है, वो स्वर्ग तक ले जाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जंगल के मार्ग में कुड़कुड़ाइए मत, जंगल के मार्ग में क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिल्लाओ मत, नहीं तो रास्ते में ढेर हो जाएंगे। प्रभु हमें हमेशा की जिंदगी देने जा रहा है। हालेलुया। एक तो वचन हम निकालेंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा याकूब की पत्री, ध्यान से सुने आज का वचन,
चार का चार, हे व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिपल डा हो। आगे 7 और 8, 5 का, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा तक होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, संसार के मित्र नहीं, संसार के जैसे काम नहीं। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे, जब आप परमेश्वर के पीछे चले हो तो आपका निर्णय आपके सत्य को जाना है। पूरे संसार को लेकर नहीं चल रहे, हम अकेले चल रहे अपने खुदा के साथ। तो संसार को यहाँ पे क्लियर लिखा है, जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का बैरी नहीं बनना, हमें प्रभु का प्रिय बनना है, परमेश्वर का प्रिय बनना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, 1 कुरिन्थियों 6 उसका 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हाँ। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? क्यों ये बोला जा रहा है? संसार, संसार में पाप है, संसार में व्यभिचार है, धोखा है, वेश्यागामी है। संसार, संसार जो परमेश्वर के भय में नहीं चल रहा, संसार जो पाप में है, इसीलिए प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। और प्रभु कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, समलैंगिक लोग। आगे, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। कितनों को समझ में आ रहा है? और तुम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र यीशु के लहू से शुद्ध नहीं किए? कितनों को समझ, आप चर्च आ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप ये सारे काम भी अगर कर रहे हैं संसार वाले, तो गलत फहमी निकाल दो अपने मन से कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होने जा रहे हैं। हालेलुया। आज लोग इमोशनल लोग, हाँ इमोशनल लोग कभी प्रभु के साथ, प्रभु के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। हाँ मुझे बुरा लग गया, मुझे अच्छा लग गया, मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया। अगर दृढ़ रहना है तो वचन पे रहो। इमोशनल लोग कभी प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इमोशनल, जितने भी इमोशनल लोग हैं वही हैं जो इन पापों में गिरते हैं। इसीलिए मन का वचन से दृढ़ रहना अच्छा है। कितनों को समझ में आ रही? प्रभु के राज्य में प्रभु प्रभु करने वाले नहीं जा रहे, जो ये वचन, जिसके जीवन में ये कोई चीज नहीं है वो जा रहे हैं।
अगर गलती से आपके जीवन में चोरी भी है, लोभ भी है, पियक्कड़ भी है, गाली भी देते हो, ये मुंह से गंदी गालियां बकते हो, तो भी तुम प्रभु के राज्य में नहीं जाओगे। याद रख लो, क्लियर लिखा है यहां पर। हमें लगता है तो छोटी सी बात है, झूठ तो छोटी सी बात है, चोरी तो छोटी सी बात है। वचन कहता है अंधेर करने वाले, गाली देने वाले, लोभी, पियक्कड़, पुरुषगामी, मूर्ति पूजक, वेश्यागामी प्रभु के राज्य में एंटर नहीं करेंगे। तो ये कौन से लोग थे? निकले तो थे मिश्र से, प्रभु ने निकाला सबको तो, और सबको प्रॉमिस लैंड लेके जा रहा था परमेश्वर। लेकिन क्या हुआ? रास्ते में गाली देना, कुड़कुड़ाना, मुंह से गलत बोलना, लालच, चोरी, व्यभिचार, परस्त्रीगामी, रास्ते में पाप करने लगे। और क्या हुआ? रास्ते में ढेर हो गए, उस प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचे थे। हालेलुया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है प्रभु को नंबर बहुत मैटर करता है। हाँ, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। याद कर लो, कितने पहुंचे थे प्रॉमिस लैंड में? 20 लाख से ज्यादा लोग निकले थे, 5 लाख तो केवल योद्धा थे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, और जो 40 साल में वहां पैदा हुए थे रास्ते में। कितने पहुंचे थे जो निकले थे? जितने निकले थे उनमें से कितने पहुंचे थे जानते हैं? केवल 2। इसलिए मत सोचो नंबर मैटर करता है प्रभु के लिए। जब नूह की बाढ़ आई, बताया जाता है 3 बिलियन करोड़ लोग धरती पर थे, और कितने बचे? केवल 8। तो मत सोचो मेरा तो पक्की टिकट है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। प्रभु के लिए नंबर मैटर नहीं करता, प्रभु के लिए पवित्रता ही मैटर करती है, प्रभु के लिए आज्ञाकारिता मैटर करती है, प्रभु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति मैटर करता है। हालेलुया। तो बहुत लोगों को गलत फहमी, अरे और किसको लेके जाएगा प्रभु, कोई चिंता नहीं है। 8 ही गए थे, करोड़ों में 8 लोग गए थे, बचाए गए थे। जब लूत के समय पर पूरा सदोम और अमोरा, पूरा नगर, ऐसा बढ़िया नगर था वो, सोने चांदी से भरा हुआ, अय्याशियों से भरा हुआ नगर था वो, लोग खाते पीते और व्यभिचार के अलावा कुछ करते ही नहीं थे वहां पर, और लोगों को लगा सब कुछ ऐसे ही चलेगा। हाँ, और उनके पास मैसेज भी आया पर नहीं माने। कितने बचाए गए? हाँ, लूत और उसकी 2 बेटियां केवल। तो नंबर मैटर नहीं करता प्रभु के। प्रभु ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कहते बहुत सारे लोग प्रवेश तो करना चाहेंगे पर कर ना सकेंगे। लूत की पत्नी संसार से दोस्ती ज्यादा थी, प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। प्रभु ने कहा जब तू निकले तो पीछे ना मुड़ के देखियो। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी पीछे के चीजें कर रहे हैं, दुनिया को खुश कर रहे हैं, रिश्तेदारों को खुश कर रहे हैं, वही रीति रिवाज, वही सारी चीजें। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। जब प्रभु के रास्ते पे चले गए तो सिर्फ आगे तुम्हारा खुदा और तुम्हारी मंजिल, भूल जाओ पीछे क्या है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हैं, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। बाइबल में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ चला 300 साल, जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, केवल परमेश्वर को प्रसन्न किया, वही लोग थे जो परमेश्वर के साथ उठाए गए।
तो नंबर मैटर नहीं करता, मत भूलो। जित लोगों को लग रहा है नंबर कोई मैटर नहीं करता, परमेश्वर प्रभु ने कहा 10 कुबारी या 5 उठा ली जाएंगी, 5 रह जाएंगी। 2 लोग बिस्तर में सोंगे, 1 उठा लिया जाएगा, 1 रह जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपना ध्यान कर लो, अलर्ट हो जाओ, हर दिन प्रभु के सामने डरते और कांपते हो अपनी। कितनों को समझ में आ रहा है? देख लो, अगर नू का 8 लोग, लूत के टाइम 3 लोग, प्रॉमिस लैंड में केवल 2 लोग बचाए गए थे, थोड़े हैं जिनका ध्यान पूरी तरह से दे सिर्फ प्रभु की साथ चलने में है, थोड़े हैं। संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीजें, इसलिए प्रभु ने क्लियर कहा है जो संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी है। रोमियो 8 उसका 5-7, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक दिशा में हैं, संसारिक व्यक्ति हैं, संसार की बातों में ही ध्यान रहता है, आप कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। किस पे मन लगाएंगे बोलो? हाँ, आत्मा पे, आत्मा की बातें, प्रभु की वचन पे चलना, ये आत्मा की बातें हैं। इसका 13-14 भी पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कितनों को समझ में आ रही? तो शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पर क्या लिखा? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, वचन से देह के कामों को मारोगे तो जीवित रहोगे। बोलो जीवित रहोगे, जीवित रहोगे। हालेलुया। 1 यूहन्ना 2:15-17, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वो पिता की ओर से नहीं है पर संसार ही की ओर से है। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड
वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। बोलो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, बोलो बोलो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, वो सदा जीवित रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सदा जीवित रहेगा, वो सदा जीवित रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? रास्ते में, जंगल के मार्ग में नाश हो जाएं, या उस प्रॉमिस लैंड में जिसका वायदा प्रभु ने हमें किया है वहां तक पहुंचे? क्या चाहते हैं? रास्ते में ढेर हो जाएं? आज लोगों ये नहीं देख रहे कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ किया, मेरे पापों को माफ किया और मेरे लिए स्वर्ग का जीवन दिया। जहां पर एक वचन और निकाल के हम बात करेंगे, प्रकाशित वाक्य 21, लिख लो इसे। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या देने के लिए बुलाया प्रभु ने? जब हम खुदा के पास आए, प्रभु ने हमें चंगा किया, बरकत दिया, चीज दी, उसके बाद परमेश्वर का वचन जो हमने सत्य वचन जाना, वो कहता था कि परमेश्वर ने, वो चाहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु मार्ग सत्य और जीवन है। वो क्या लिखा है कि वो तुम्हारा सदा के लिए तुम्हारे आंसू पोंछ देगा, वहां पे कोई दुख नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आनंद ही आनंद होगा और परमेश्वर खुद तुम्हारे साथ डेरा करेगा, खुद तुम्हारे साथ बीच में रहेगा। ये परमानेंट सोल्यूशन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। लेकिन जब हम परमेश्वर से निकले हैं, जब हम चल रहे हैं रास्ते में, ओ खाना नहीं मिला, मन्ना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और कुड़कुड़ाने के कारण, वे विचार के कारण, पाप के कारण लोग रास्ते में ढेर हो गए और जो परमेश्वर ने उनको परमानेंट सोल्यूशन रखा था उससे वंचित रह गए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हालेलुया। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए प्रभु ने अंत के दिनों के लोगों को क्या दृष्टांत की रीति पर ये बातों को लिखा परमेश्वर ने, अंत के लोगों की चेतावनी के लिए, ताकि तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो, संसार की अभिलाषाओं से प्रेम ना करो। परमेश्वर तुम्हें अनंत काल का जीवन दे चुका है, हमें, हम एंटर करने जा रहे। प्रभु ने क्या प्रॉमिस लैंड पहले था, स्वर्ग ऑलरेडी है, बनेगा नहीं, वहां पे आपका खुदावंद परमेश्वर रहता है, करोड़ों दूतों के साथ वो रहता है। हालेलुया। वो है, हम क्या करें, हमें प्रभु ने निकाल के हम उसकी ओर जा रहे हैं, हम रास्ते में हैं, हमें वहां पर पहुंचना है और खुदावंद हमें लेके जा रहा है उस सकरे मार्ग से। हालेलुया। पर बहुतों की आंखें वहां से हट चुकी हैं, बहुतों की आंखें प्रभु ने उनके लिए कौन सा बलिदान दिया हट चुकी हैं, और वो बीच बीच में ही क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बनेगा, कैसे होगा, कहां जाएंगे, इन्हीं चीजों की चिंता में नाश हो जाएंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है?
संसार के पास रास्ता नहीं है, संसार के लोगों के पास कोई मंजिल नहीं है, संसार के पास लोगों के पास कोई वायदा नहीं है, संसार के लोगों के पास कोई प्रतिज्ञा नहीं है, तुम उनकी रीति से कैसे चल सकते हो? तुम्हारे पास वायदा है, प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस लैंड है, खुदा का हाथ है, पवित्र आत्मा है, तुम्हारे पास छुटकारा है। हालेलुया। तुम कैसे अपने आप को उन लोगों से मिक्स कर सकते हो? तुम्हारे पास एक बाप है जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और हम अपने आप को लोगों से कम, इसीलिए प्रभु ने कहा संसार से मित्रता रखनी, परमेश्वर से बैर करना है। कितनों को समझ में आ रही है? हम भटके हुए नहीं है, हम भटके हुए में से, खोए हुए में से निकाले हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। हमें हमारी आंखें उस प्रॉमिस लैंड तक, उस वाचा के देश तक, उस मंजिल तक हमारी आंखें होनी चाहिए। उस क्रूस पे हमारी आंखें होनी चाहिए कि वो क्रूस ही वजह बना ताकि हम स्वर्ग में जाएं। हमारे लिए उस क्रूस ने रास्ता खोला, ना तो क्रूस को भूले और ना उस मंजिल की ओर से अपनी आंखें हटाएं ताकि अपनी दौड़ को पूरा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।